प्रीवियस लेक्चर्स में अपन बात कर रहे थे, अपन पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के अंदर अपन ने फर्स्ट जो टॉपिक है जेनेटिक कोड अपन ने कंप्लीट कर लिया था। जेनेटिक कोड के बाद में जो मशीनरी है, मशीनरी ऑफ ट्रांसलेशन, जो ट्रांसलेशन की मशीनरी, मशीनरी के अंदर जैसे डीएनए, आरएनए, ठीक है, डिफरेंट टाइप के आरएनए, राइबोसोम्स, ये उसके अंदर देखने को मिलते हैं। किसके अंदर? मशीनरी के अंदर। और अपन बात कर रहे थे डीएनए मशीनरी की, सॉरी उसकी ट्रांसलेशन मशीनरी की बात कर रहे थे। ट्रांसलेशन मशीनरी में अपन ने आरएनए पढ़ रहे थे, स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए। आरएनए के अंदर अपन ने एमआरएनए की स्ट्रक्चर्स पढ़ ली थी। एमआरएनए के बाद में अपन बात करेंगे आज टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स, अपन ने कल पढ़ रहे थे, ठीक है। टीआरएनए की जो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स है वो लगभग अपन ने पढ़ ली थी, और जो उसकी टर्शियरी स्ट्रक्चर्स है या सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है, क्लोरलिन मॉडल्स, वो अपन पढ़ रहे थे। और आज बात करेंगे टर्शियरी और स्ट्रक्चर्स के बारे में और राइबोसोम्स के बारे में, यानी आरआरएनए के बारे में, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, आज के वीडियो में अपन क्या बात करेंगे, स्ट्रक्चर्स ऑफ आरएनए, आरएनए की स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो स्ट्रक्चर्स में प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी में लीनियर सीक्वेंस की बात कर ली थी। क्लोवर लीफ मॉडल्स की अपन क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे क्लोवर लीफ मॉडल्स। और आज बात करेंगे थ्री डी स्ट्रक्चर्स ऑफ टीआरएनए की और एल शेप या हेलिक्स। इसमें अपन बात करेंगे एल शेप, जो थ्री डी स्ट्रक्चर्स होती है या टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होती है उसमें एल शेप जो टीआरएनए होता है उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर्स के बारे में अपन ने बात की थी कि लीनियर सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके बाद में अपन बात कर रहे थे किसके बारे में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में? सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स ऑफ क्लोवर लीफ मॉडल। ये भी क्या है, टीआरएनए की जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स है किसके द्वारा एक्सप्लेन की जाती है, क्लोवर लीफ मॉडल के द्वारा क्या की जा रही है, एक्सप्लेन की जा रही है। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्लोवर लीफ मॉडल में एक साइट होती है जिसे कहते हैं एक्सेप्टर आर्म, एक्सेप्टर आर्म। और ये कहां पर होती है, थ्री प्राइम साइट पर होती है। यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या है, थ्री प्राइम साइट है और वहां पर क्या है, एक्सेप्टर आर्म है, ठीक है। ये इसके जैसे दिखती है, क्लोवर लीफ के जैसे दिखती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोवर लीफ मॉडल कहा जाता है। यहां पर देखोगे डी आर्म एंड लूप है, यहां पर टी एंड फाई लूप है, यहां पर एंटीकोडोन आर्म एंड लूप है। तो ये चार क्या है, स्पेसिफिक लूप होते हैं, और यहां पर वेरिएबल आर्म होती है। ये क्या होती है, वेरिएबल आर्म होती है, ठीक है। ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है किसको, आरएनए को। यहां पर देखेंगे तो ये टी एंड फाई, ये रिकॉग्नाइज साइट होती है किसके लिए, राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के लिए। ये रिकॉग्निशन साइट होती है राइबोसोम कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है। और ये है रिकॉग्निशन साइट होती है किसके लिए, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज, यानी ये एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट होती है, ये राइबोसोम के लिए किस क्या होती है, रिकॉग्निशन साइट होती है। ये एंटीकोडोन्स लूप होते हैं, ये एंटीकोडोन्स होते हैं जो एमआरएनए के ऊपर जो सीक्वेंस होते हैं, कोडोन होते हैं, उन कोडोन को ये रीड करता है और उनके अगेंस्ट एंटीकोडोन यहाँ पर क्या करवाता है, फॉर्मेशन करवाता है, यानी बाइंड करता है, ठीक है। ये एक्सेप्टर आरएनए, इस पे ऊपर एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है ए सी सी, और थ्री प्राइम एंड है तो थ्री प्राइम पर कौन ओएच ग्रुप क्या रहेगा, फ्री रहेगा। फाइव प्राइम पर फॉस्फेट क्या रहता है, फ्री रहता है। यहां पर देखोगे तो ये सिंगल स्ट्रैंडेड ही था, स्ट्रक्चर्स क्या थी, सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर थी, लेकिन यहां पर जो इसके अंदर जो रिपीटेड सीक्वेंस होने के कारण, जैसे ग्वानिन साइटोसिन, ग्वानिन साइटोसिन होने के कारण ये आपस में क्या बना लेते हैं, कॉइल्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। किसके जैसे स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, क्लोर लीफ जो लीफ होती है उसके जैसे स्ट्रक्चर्स का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, क्लोर लीफ मॉडल। रॉबर्ट होले ने ये क्लोर लीफ मॉडल क्या किया था, प्रपोज किया था कब, 1968 के अंदर। इट इज टू डायमेंशनल डिस्क्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। टीआरएनए का कौन सा है, टू डायमेंशनल, थ्री डायमेंशनल, यानी जो अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे वो थ्री डायमेंशनल होगा। तो यहां पर देखो चार, इसकी चार आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, टी और सी आर्म, और एंटीकोडोन आर्म, और डी एंड डी लूप, ठीक है। तो यहां पर इन चारों को अपन डिटेल से बात करते हैं, और फिफ्थ क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल आर्म, ये क्या करवाता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाता है। तो इन पांच आर्म के बारे में अपन बात करें तो पांचों के बारे में डिटेल से बात करते हैं। यहां पर देखोगे तो सबसे पहला अपन बात करें किसकी, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। किसकी बात करें,
अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप का यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर सी डब्लो, यहाँ पर देखोगे सी ओ ओ एच, यहाँ पर कार्बोक्सिल ग्रुप है, यहाँ पर एमीन ग्रुप है, ठीक है। तो ये एक टाइप का क्या है, यहाँ पर R, ये H और यहाँ पर C, तो ये एक प्रकार का क्या है, अमाइनो एसिड है। यहाँ पर इसका ऑक्सीजन और यहाँ पर OH यानी हाइड्रोलाइसिस करके यहाँ पर क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं अपन, एस्टर बॉन्ड। क्या बनता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कब, कहां पर, अमाइनो एसिड से जो एक्सेप्टर आर्म है वहां पर क्या होता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन। यहां पर देखोगे तो ये ग्लूकोज है, सॉरी पेंटोस शुगर है, ठीक है। यहां पर पेंटोस शुगर के फर्स्ट नंबर कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन बेस यानी एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहां पर फॉस्फेट की चेन है। तो यहां पर जो फर्स्ट जो वो होगा अमाइनो एसिड होगा, यानी अमाइनो एसिड क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है, क्योंकि एडेनिन है, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, अमाइनो एसिड्स होगा, वो क्या होगा, एडिनिन, ठीक है। तो यहां पर ये स्ट्रक्चर्स एडिनिन यानी एक प्रकार का क्या होगा, ये अपन कहें तो ये क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले जो एडिनिन होता है, ठीक है, तो एडिनिन के साथ, हाँ एडिनिन ही होगा, यहां पर नाइट्रोजन बेस कौन सा होगा, एडिनिन ही होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर अपन ने बात की थी एक्सेप्टर आर्म है, एक्सेप्टर आर्म पर सी सी ए सीक्वेंस होती है, सी सी एक सीक्वेंस होती है थ्री प्राइम एंड पर, ठीक है। यहां पर इसका फाइव प्राइम होगा, तो यहां पर देखोगे तो यहां पर क्या बन रहा है, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। कहां पर, अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म, यानी इस आर्म के ऊपर क्या एड हो गया, अमाइनो एसिड एड हो गया। तो यहां पर देखोगे तो इसका जो पॉइंट है, डबल हेलिकल बोथ फाइव प्राइम एंड थ्री प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए, ये क्या होता है, डबल हेलिकल होता है। यहां पर देखोगे इसके अंदर सेवन बेस पेयर क्या होते हैं, अनपेयर्ड होते हैं, एट थ्री प्राइम एंड पर फाइव प्राइम एंड सी सी ए ये प्रोट्रूड्यूज विथ ओ एच एट और एट द टिप। यहां पर स्पेसिफिक जो सीक्वेंस होता है सी सी ए सीक्वेंस होता है, जो टिप के ऊपर सीक्वेंस होता है वो क्या होगा, सी सी ए। साइट फॉर अटैचमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ये कौन सी साइट है, जहां यह वह साइट होती है जहां पर अमाइनो एसिड क्या होता है, अटैच करता है। अमाइनो एसिड की अटैचमेंट साइट की बात करें तो कौन सी साइट होगी, अमाइनो एसिड्स की अटैचमेंट साइट की बात करें तो अमाइनो एसिड एक्सेप्टर आर्म। तो एक्सेप्टर आर्म होती है वो क्या होती है, अमाइनो एसिड्स जो अटैचमेंट साइट होती है, ठीक है। यहां पर देखोगे सी ओ ओ एच ऑफ स्पेसिफिक अमाइनो एसिड, यानी कार्बोक्सिल ग्रुप, हर एक अमाइनो एसिड के अंदर कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, स्पेसिफिक अमाइनो एसिड जॉइंट विथ ओ एच ऑफ एडिनिन, जॉइंट होता है किसके, एडिनिन के ओ एच से, ठीक है, इन सी सी ए टू फॉर्म अमाइनो एसाइल टी आर एन ए। इन सी सी ए और टू फॉर्म क्या करता है, अमाइनो एसाइल टी आर एन ए का क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आर्म था वो कौन सा आर्म है, एक्सेप्टर आर्म, ठीक है। सेकंड बात करें तो यहां पर सेकंड आर्म की बात करें तो सेकंड आर्म है डी आर्म, ठीक है। इसको कहते हैं डी एच यू भी कहते हैं एंड डी आर्म भी कहते हैं, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन। इसका क्या नाम है, फुल फॉर्म डाई हाइड्रोक्सी यूरेसिल, ठीक है, या यूरिडीन भी कह सकते हैं। यहां पर देखोगे तो दिस आर्म कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लूप विथ अनयूजुअल पायरामिडिन न्यूक्लियोटाइड डाई हाइड्रोक्सी। यहां पर क्या होते हैं, डाई हाइड्रोक्सिल यानी पायरामिडिन यूज होते हैं, डाई हाइड्रोक्सिल पायरामिडिन यूज होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डी आर्म कहा जाता है। यहां पर इसके अंदर डाई हाइड्रोक्सिल फोर बेस पेयर स्टेम विथ ए लूप कंटेन डाई हाइड्रोक्सी। यहाँ पर चार बेस पेयर का जो स्टेम होता है इसका जो बना होता है किससे, डाई हाइड्रोक्सी यूरिडीन से, ठीक है, यूरेसिल भी कह सकते हैं या यूरिडीन भी कह सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन साइट होती है, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन, इसका क्या हो गया, फंक्शन। रिकॉग्निशन साइट फॉर स्पेसिफिक एंजाइम अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज। यहाँ पर देखोगे तो ये ऊपर देखो अपन ने यहाँ पर बात की थी कि ये वाली जो साइट होती है ये एंजाइम्स को क्या करती है, रिकॉग्नाइज करती है। तो यहाँ पर कि रिकॉग्निशन साइट होती है फॉर द स्पेसिफिक एंजाइम, स्पेसिफिक एंजाइम्स कौन सा, अमाइनो एसाइल टीआरएनए सिंथेटेज।
ये अपन जब बात करेंगे कि ट्रांसलेशन की जो एक्टिवेशन प्रोसेस है उसके अंदर अपन इसके बारे में बात करेंगे, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेटाइज किस तरह से फंक्शन कर रहा है, दैट एक्टिवेट द अमाइनो एसिड, ये किसको एक्टिवेट करता है, अमाइनो एसिड को एक्टिवेट करता है, और उसके लिए रिकॉग्निशन साइट क्या होती है, डी आर्म प्ले ए इंपॉर्टेंट रोल इन स्टेबलाइजेशन ऑफ द टीआरएनए टर्शियरी स्ट्रक्चर्स, और जो टीआरएनए की टर्शियरी स्ट्रक्चर्स होती है उसको भी क्या करता है, ये स्टेबलाइज करता है। तो फर्स्ट अपन ने एक्सेप्टर आर्म की बात की, सेकंड अपन बात करें किसकी, डी आर्म की, ठीक है, थर्ड अपन बात करें टी फाई सी आर्म, थर्ड अपन किसकी बारे में बात करें, टी फाई सी आर्म, ठीक है, यहां पर देखोगे तो ये क्या है, फाई है, यहां पर टी है, यहां पर यू, यहां पर यू, यहां पर एडिनिन, यहां पर गवानिन, यहां पर साइटोसिन, यहां पर साइटोसिन, साइटोसिन, गवानिन, गवानिन, ठीक है, और यहां पर एडिनिन, यहां पर गवानिन, गवानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, यूरेसिन, ये एक दूसरे के आरएनए के पास, आरएनए के अंदर क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं, तो वो आपस में क्या हो जाते हैं, बाइंड हो जाते हैं, और बाइंड करके ही वो क्या बनाते हैं, क्लोर लीफ मॉडल का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर देखें तो ये टी एंड फाई आर्म है, ठीक है, इसकी बात करें तो टी एंड फाई आर्म इज नेम्ड फॉर द प्रेजेंस ऑफ सीक्वेंस, इसका नाम टी फाई सी नाम क्यों पड़ा है, टी फाई सी सीक्वेंस क्यों पड़ा है, क्योंकि इसके पास टी फाई सी सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, थाइमिडिन, सूडो यूरेडिन और साइटोसिन, यहां पर देखोगे तो यहां पर थाइमिन है, सूडो यूरेडिन, यहां पर देखोगे तो ये सूडो यूरेडिन यानी फाई, ठीक है, और साइटोसिन, यहां पर साइटोसिन है, तो इस कारण से इसको क्या कहा जाता है, टी फाई सी, टी फाई सी, ये देखो, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, टी फाई सी जो साइट है या आर्म है वो कहा जाता है, वेयर सूडो यूरेडिन इज अनयूजुअल बेस, अपन ने बात की थी अनयूजुअल स्ट्रक्चर्स ऑफ डीएनए की बात की थी, यहां पर अनयूजुअल क्या है, बेस है, और वो बेस कहां पर प्रेजेंट है, आरएनए के अंदर प्रेजेंट है, और वो लूप बनाता है, और उस लूप को क्या कहते हैं, टी फाई सी आर्म, ठीक है, दिस आर्म आल्सो कंसिस्ट ऑफ स्टेम एंड लूप, ये क्या होता है, स्टेम और लूप से मिलकर बना होता है, स्टेम कंसिस्ट फाइव बेस पेयर, आउटर मोस्ट ऑफ दिस पेयर इज सीजी, यहां पर देखोगे तो ये इसका क्या हो गया, स्टेम, यहां पर देखोगे तो ये इसका क्या हो गया, लूप, तो ये स्टेम और लूप लूप से मिलकर बना होता है, स्टेम की बात करें, स्टेम के अंदर कितने बेस पेयर, फाइव बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, फाइव बेस पेयर किसके, सी और जी, यानी यहां पर देखोगे सी जी जी जी, यहां पर क्या है, फाइव बेस पेयर प्रेजेंट है, लूप कंटेन सेवन अनपेयर न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 4 5 6 7 सेवन अनपेयर न्यूक्लियोटाइड से ये क्या होता है, लूप बना होता है, दिस लूप कंटेन ए राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, ये इसका क्या हो गया, फंक्शन हो गया, फंक्शन में क्या होगा, ये किसको रिकॉग्निशन साइट है, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है, तो ये समझ में आया, राइबोसोम रिकॉग्निशन साइट अलग है, एंजाइम रिकॉग्निशन साइट अलग है, ठीक है, और अमाइनो एसिड को जो अमाइनो एसिड रिकॉग्निशन साइट है वो अलग है, ठीक है, तो यहां पर तीन अपन आर्म के बारे में बात कर लिए, अब नेक्स्ट आर्म की बात करते हैं, नेक्स्ट है एंटीकोडोन लूप, कौन सा लूप, एंटीकोडोन लूप, ठीक है, तो यहां पर देखोगे तो ये एंटीकोडोन है, जैसे सी ए जी, ये क्या है, कोडोन है, ये मैसेंजर आरएनए, जैसे मान लो एयूजी, एयूजी क्या है, इनिशियल जो स्टार्टिंग कोडोन है, ठीक है, ए के साथ कौन बाइंड होगा, आरएनए है तो एडेनिन के साथ में यूरेसिल, यूरेसिल के साथ में जैसे थाइमिन है, थाइमिन के साथ में एडेनिन, गवानिन के साथ में ए, तो यू ए सी यहां पर इसका क्या हो जाएगा, एंटीकोडोन लूप का जो बेस का सीक्वेंस है वो होगा, इसके ऊपर जो इस आरएनए है इसके ऊपर स्पेसिफिक लगा होगा क्या, अमाइनो एसिड जुड़ा होगा, कौन सा, मिथियोनिन, ठीक है, तो यहां पर देखिए तो ये कोडोन है, ये क्या है, एंटीकोडोन है, और ये क्या है, ट्रांसफर आरएनए, दिस आर्म इज आल्सो कॉल्ड, आल्सो कंटेन स्टेम एंड लूप, ये क्या हो जाएगा इसका, स्टेम, ये क्या हो जाएगा इसका, लूप, ठीक है, स्टेम कंसिस्ट फाइव बेस पेयर एंड लूप कॉल्ड एज एंटीकोडोन लूप एंड लूप सेकेंड कंटेन सेवन बेस पेयर अनपेयर, यहां पर क्या होगा कि
जो स्टेम होता है वो 5 बेस पेयर, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 बेस पेयर की सीक्वेंस दे रखी है, ठीक है। कोल्ड एज एंटीकोडोन लूप, इसको क्या कहा जाता है, बेस पेयर एंड लूप, स्टेम कंसिस्ट 5 बेस पेयर एंड लूप, लूप होता है कंसिस्ट होता है 7 बेस पेयर से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जिसमें 3 तो क्या होते हैं एंटीकोडोन होते हैं, 4 नाइट्रोजन बेस। आउट ऑफ 4 दीज 7 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स द मिडिल 3 फॉर्म एंटीकोडोन, जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं एंटीकोडोन होते हैं, एंटीकोडोन रिकॉग्नाइज एंड कोडोन ऑफ एमआरएनए एंड बाइंड टू इट, और ये एंटीकोडोन होते हैं वो किसको रिकॉग्नाइज करते हैं कोडोन सीक्वेंस को, कोडोन कहाँ पर होते हैं एमआरएनए के अंदर, और वहाँ पर क्या हो जाते हैं बाइंड हो जाते हैं। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किस किस की बारे में, बात करें एक्सेप्टर आर्म की बात करें तो एक्सेप्टर आर्म का काम क्या है, अमाइनो एसिड्स को बाइंडिंग साइट है, अमाइनो एसिड के लिए बाइंडिंग साइट है। दूसरा डी फाई एंड लूप की बात करें तो वो एंजाइम के लिए रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। तीसरा सॉरी डी लूप की बात करें DHU, ठीक है, डाइहाइड्रोक्सी यूरिडीन, वो एंजाइम रिकॉग्निशन साइट है। तीसरा अपन बात करें कि टी फाई सी साइट या टी फाई सी लूप, ठीक है, ये क्या करता है राइबोसोम को रिकॉग्निशन साइट है, ठीक है। और फोर्थ है एंटीकोडोन लूप, एंटीकोडोन लूप के अंदर देखें तो ये किसको कोडोन को रिकॉग्नाइज करता है और कोडोन के साथ क्या होता है बाइंड होता है, कोडोन कहाँ पर होते हैं एमआरएनए के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये लास्ट इसका है वेरिएबल नंबर, क्या है वेरिएबल आर्म, सॉरी वेरिएबल नंबर नहीं वेरिएबल आर्म, ठीक है। तो वेरिएबल आर्म की बात करें तो वेरिएबल आर्म्स अपन ने बात की थी कि यहां पर इस तरह से स्ट्रक्चर्स होती है, यहां पर एक यहां पर ये देखें तो यहां पर ये क्या होती है वेरिएबल आर्म होती है, ठीक है। अब इसके क्या क्या फंक्शंस है ये देख लेते हैं। द वेरिएबल आर्म हैज बिटवीन 3 and 21 न्यूक्लियोटाइड्स, किस कितने न्यूक्लियोटाइड के बीच में हो सकती है ये, ट्वेंटी वन न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन विच अमाइनो एसिड्स द टी आर एन ए एनकोड, ये डिपेंड करता है कि कौन सा टी आर एन ए है या किसको कोड कर रहा है अमाइनो एसिड, यानी उसके पास कौन सा अमाइनो एसिड है। जैसे 20 अमाइनो एसिड होंगे तो 20 टाइप्स के क्या हो सकते हैं टी आर एन ए हो सकते हैं, और वो डिपेंड करता है कि उन टी आर एन ए के ऊपर डिफरेंट टाइप के टी आर एन ए के ऊपर डिफरेंट टाइप के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो वेरिएबल नंबर वेरिएबल आर्म में पाए जाते हैं। बिटवीन एंटीकोडोन लूप एंड टी फाई यूरेसिन लूप, किसके बीच में पाई जाती है एंटीकोडोन लूप और टी फाई, और जैसे यहां पर देखें तो ये क्या है टी फाई यूरेसिल टी फाई सी है, यहां पर टी फाई सी होना चाहिए, एक मिनट रुको, यहां पर गलत लिखा हुआ है टी फाई सी, टी फाई सी आर्म बिटवीन किसके बीच में एंटीकोडोन लूप के बीच में और टी फाई एंड टी फाई सी लूप के बीच में, ठीक है। दिस टी आर एन ए वेरिएबल आर्म इज वेरी शॉर्ट सो इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर आर्म्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स, ये क्या होती है वेरिएबल आर्म शॉर्ट होती है इसलिए ये क्या होती है डिफरेंट होती है अदर आर्म्स से। मे प्रेजेंस और एब्सेंस इज डिपेंड ऑन स्पीसीज, ये कब प्रेजेंट होगी एब्सेंट होगी ये डिपेंड किसके ऊपर करता है स्पीसीज के ऊपर करता है, कौन सी स्पीसीज है। द लेंथ ऑफ द वेरिएबल आर्म इज इंपॉर्टेंट इन द रिकॉग्निशन ऑफ द अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस फॉर द टीआरएनए, और जो इसकी लेंथ होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है रिकॉग्निशन अमाइनो एसाइल टीआरएनए, यानी अमाइनो एसाइल टीआरएनए को रिकॉग्निशन करने के करते हैं तब इसकी जो लेंथ है वो डिपेंड करती है। वेरिएबल आर्म हेल्प इज स्टेबिलिटी ऑफ आरएनए, यहां पर ये ध्यान रखना ये स्टेबिलिटी क्या करवाती है प्रोवाइड करवाती है किसको टीआरएनए को। टीआरएनए आर कोल्ड क्लास फर्स्ट इफ दे लैक इट
एंड क्लास सेकंड इफ दे हैव इट। यानी टीआरएनए को दो टाइप से बांटा जा सकता है कि अगर टीआरएनए, जैसे टीआरएनए है, टीआरएनए है, टीआरएनए को दो टाइप से बांटा जा सकता है, क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है, यहां पर देखोगे क्लास फर्स्ट दे लैक इट, यहां पर एब्सेंस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, एब्सेंस ऑफ वेरिएबल आर्म। मार्कर ही नहीं चल रहा, वेरिएबल आर्म, और यहां पर प्रेजेंट। ठीक है, तो इस प्रोसेस के द्वारा, यानी इनके प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे अपन टीआरएनए को दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर समझ में आया कि जो टीआरएनए के स्ट्रक्चर्स है, प्राइमरी स्ट्रक्चर्स लीनियर स्ट्रक्चर्स, सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्लोरलिव मॉडल स्ट्रक्चर। अब ये बनती कैसे है, जैसे लीनियर स्ट्रक्चर ही होती है, लेकिन जो से यहाँ के जो न्यूक्लियोटाइड है नाइट्रोजन बेस है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री होती है। जैसे यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, ठीक है, यहाँ पर सी, यहाँ पर जी, तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो जब ये कॉम्प्लीमेंट्री आपस में जुड़ते हैं तो कुछ न्यूक्लियोटाइड तो लूप का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो जुड़ते हैं वो क्या बनाते हैं, आर्म का फॉर्मेशन करते हैं। इस तरह से इनका क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बात कर ली, अब बात करते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर्स की। टर्शियरी स्ट्रक्चर्स या 3D स्ट्रक्चर्स की बात करें, और उसमें अपन बात कर रहे हैं एल शेप्ड स्ट्रक्चर्स। यहां पर देखोगे तो ये जो टीआरएनए है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो गया किसमें, एल शेप स्ट्रक्चर्स में। इस तरह से ये क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया, और इसी को कहते हैं अपन टर्शियरी स्ट्रक्चर्स। यहां पर देखोगे एक्सेप्टर आर्म एंड यूरेसिल स्टेम फ्रॉम एक्सटेंड हेलिक्स। ये क्या हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, कौन, एक्सेप्टर आर्म। यहां पर देखोगे तो ये एक्सेप्टर आर्म और यहां पर टी एंड फाई लूप्स। एंटीकोडोन स्टेम्स एंड डी लूप स्टेम्स फ्रॉम एक्सटेंडेड हेलिक्स। जो एंटीकोडोन्स है और वो डी लूप्स होते हैं। एंटीकोडोन ऐसे कैसे होता है और डी लूप क्या हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, डी लूप एंड टी लूप एलिगेंस टुगेदर। यहाँ पर देखोगे तो डी और टी दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। बोथ एक्सटेंडेड हेलिकल्स एलिगेंट एट राइट एंगल, और ये दोनों एक दूसरे के क्या है, राइट एंगल पे है। तो यहाँ पर चार हैं, देखो यहाँ पर फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर। यहाँ पर देखोगे तो ये फर्स्ट एक्सेप्टर आर्म इधर आ गई, सेकेंड ये इधर हो गया, डी लूप इधर हो गई, थर्ड एंटीकोडोन, एंटीकोडोन अपनी जगह पे है, फोर टी लूप इधर हो गया। तो इस तरह से क्या होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स में एल शेप स्ट्रक्चर्स के टीआरएनए का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। यहां पर इसका डायग्राम देखो तो अच्छे से देख लेना, बना लेना अच्छे से। ठीक है, इस तरह से यहां पर टर्शियरी स्ट्रक्चर्स क्या, यहाँ पर टीआरएनए के टर्शियरी स्ट्रक्चर्स भी क्या होती है, कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं किसकी, मशीनरी की। मशीनरी में अपन ने एमआरएनए पढ़ लिया, आरआरएन टीआरएनए पढ़ लिया, अब बात करते हैं अपन आरएनए की। ठीक है, आरएनए में कौन सा, आरआरएनए। ठीक है, डीएनए भी अपन ने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात करते हैं अपन आरआरएनए की, और आरआरएनए के अंदर देखें तो ये क्या है, राइबोसोमल आरएनए। इसको क्या कहा जाता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, आर आरएनए। द आर आरएनए मॉलिक्यूल्स इज ग्रेटली कॉइल्ड। ये क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। जो आर आरएनए होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, कॉइल्ड होते हैं। इन कॉम्बिनेशन विथ प्रोटीन्स, और किसके साथ कॉम्बिनेट होते हैं, ये प्रोटीन के साथ कॉम्बिनेट होते हैं। इट फॉर्म द
स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, और ये फॉर्म करते हैं, दो सब यूनिट का फॉर्मेशन होता है या मिलकर बने होते हैं स्मॉल और लार्ज सब यूनिट से, ठीक है। हैंस इट्स नेम, इसी के कारण इसका इट्स फॉर्म अबाउट 80%, ये ध्यान रखना। तीनों टाइप के आरएनए में बात करें तो 80% कौन है, आर आरएनए ऑफ द टोटल आरएनए ऑफ ए सेल। सेल के अंदर सबसे ज़्यादा जो आरएनए का कंटेन होता है वो कौन से आरएनए का कंटेन होता है, आर आरएनए का कंटेन होता है। द आर आरएनए आल्सो सीम टू प्ले सम जनरल रोल इन प्रोटीन सिंथेसिस, और ये टीआरएनए होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत मेन या जनरल प्ले या जनरल रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ये है राइबोसोम। राइबोसोम की स्ट्रक्चर्स की बात करें तो राइबोसोम सर्व एज द साइट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम क्या होता है, एक साइट प्रोवाइड करवाता है किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, उसकी तरह कार्य करता है। द स्मॉल एंड लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स अकर सेपरेटली, दोनों सब यूनिट होती है वो अलग अलग होती है। वेन नॉट इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, और दोनों जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो इन्वॉल्व नहीं होती है। द टू सब यूनिट फॉर्म एसोसिएशन ज्वाइन वेन प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट, जब दोनों आपस में क्या हो जाती है, ज्वाइन हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट, और प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट मतलब ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाता है। एंड अंडरगो डिसोसिएशन यानी सेपरेट हो जाती है, तो वेन प्रोटीन सिंथेसिस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। दोनों जब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में जुड़ी रहेंगी तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस कंटिन्यू चलता रहेगा। जब स्मॉल और लार्ज सब यूनिट आपस में क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, और तो क्या होगा, जो ट्रांसलेशन या प्रोटीन सिंथेसिस है वो क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। मैनी राइबोसोम लाइन अप ऑन द mRNA चेन ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, जो कुछ राइबोसोम्स होते हैं वो mRNA की चेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कब, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है। सच एज ए ग्रुप ऑफ एक्टिव राइबोसोम इज कॉल्ड एज पोली राइबोसोम, जो राइबोसोम का एक्टिव ग्रुप होता है उसको क्या कहा जाता है, पोली राइबोसोम, और सिंपली उसको क्या कहा जाता है, पोलीसोम्स, यानी राइबोसोम को क्या कहा गया है, एक्टिव राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है, पोलीसोम या फिर पोली राइबोसोम, ठीक है। तो यहाँ पर अपन राइबोसोम्स के बारे में पढ़ेंगे, और प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंट टाइप के राइबोसोम्स के बारे में बात करेंगे। ए राइबोसोम हैज टू बाइंडिंग साइट, राइबोसोम के पास कितनी बाइंडिंग साइट होती है, टू बाइंडिंग साइट होती है, किसके लिए, टीआरएनए के लिए, टीआरएनए मॉलिक्यूल के लिए। जब टीआरएनए जुड़ेगा तो उसके लिए दो साइट प्रोवाइड करवाता है, वन इज कॉल्ड ए, सबसे पहले साइट को क्या कहा जाता है, ए, ठीक है। एक्सेप्टर ऑफ अमाइनो एसाइल, ये क्या करता है, जो अमाइनो एसाइल है, अमाइनो एसाइल टीआरएनए है, उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। साइट एंड द अदर इज टर्म्ड पी, दूसरी क्या है, पी, पेप्टाइडल साइट है, इसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइडल साइट, इसको क्या कहा जाता है, अमाइनो एसाइल साइट या एक्सेप्टर साइट, और इसको क्या कहा जाता है, पेप्टाइडल साइट। दिस साइट स्पैन अक्रॉस द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम, फिगर 7.13, यानी ये दोनों साइट्स होती हैं लार्ज और सब यूनिट के। दिस साइट स्पैन अक्रॉस द लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम। द ए साइट रिसीव द टी आर एन ए अमाइनो एसिड्स, ए साइट होती है वो टी आर एन ए अमाइनो एसिड को क्या करती है, रिसीव करती है, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स को रिसीव करती है फ्रॉम पी साइट से, फ्रॉम पी साइट, सॉरी फ्रॉम पी साइट द टी आर एन ए लीव आफ्टर लिविंग इट्स अमाइनो एसिड टू द फॉर्मिंग ऑफ पॉलीपेप्टाइड, और जैसे ही पी साइट से टी आर एन ए रिलीज हो जाता है EPA, तो वहाँ पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है, पी साइट पर पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन। हाउ एवर द फर्स्ट टी आर एन ए अमाइनो एसिड्स कॉम्प्लेक्स डायरेक्टली एंटर इन द पी साइट ऑफ आर राइबोसोम, और जो फर्स्ट अमाइनो एसिड एंटर होता है वो डायरेक्टली कहाँ पर एंटर होता है, EPA यानी पी साइट के ऊपर एंटर होता है। यहाँ पर देखें तो द फंक्शंस ऑफ राइबोसोम इज द होल्ड इन पोजिशन द mRNA, mRNA को क्या करके रखता है, होल्ड करके रखता है, tRNA एंड
द एसोसिएटेड एंजाइम कंट्रोलिंग द प्रोसेस अंटिल द पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द एडजेस्ट अमाइनो एसिड्स। और क्या करता है, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अमाइनो एसिड्स जब बाइंड होते हैं तब। यहाँ पर देखें तो इस फिगर के अंदर ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर देखें तो ये स्मॉल सब यूनिट है इसकी, ये लार्ज सब यूनिट है। यहाँ पर देखें तो दो साइट, तीन साइटें दिखेंगी तुम्हें, यहाँ पर तो दो ही दिख रही है, ई पी और ए। पी साइट होती है जो पेप्टाइड ट्रांसपोर्ट साइट होती है, और ए साइट होती है वह अमाइनो एसिड साइट होती है। ठीक है, यहाँ पर जो राइबोसोम्स हैं यानी 50S आरआरएनए साइट्स, यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर एग्जिट साइट है। तो इस तरह से क्या होता है, राइबोसोम बना होता है। इसकी स्ट्रक्चर्स अपन खुद बना के बात करते हैं। और राइबोसोम्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में अपन बात करते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, इसकी दोनों सब यूनिट्स के नाम क्या हैं, इसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, यानी अपन बात करें कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में जो राइबोसोम्स होता है उसके कितनी सब यूनिट होती है, ये तो अपन ने देख लिया, दो सब यूनिट होगी। उस सब यूनिट में कितने न्यूक्लियोटाइड होंगे, ठीक है, उन सब यूनिट्स के नाम क्या होंगे, और कितने राइबोसोम्स यहाँ पर, कितने एस के राइबोसोम्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में 70S राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। 70S राइबोसोम्स किसके अंदर पाए जाते हैं, प्रोकैरियोट्स में, और 80S राइबोसोम किसके अंदर पाए जाते हैं, यूकैरियोट्स में। इनके अंदर देखें तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बने होते हैं, एक स्मॉल सब यूनिट, एक लार्ज सब यूनिट। लार्ज सब यूनिट जो अपन बात कर रहे हैं अभी, किसके अंदर, राइबोसोम के अंदर, और स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पर देखें तो लार्ज सब यूनिट बननी होती है 50S आरआरएनए, ठीक है, 50S आरआरएनए। स्मॉल सब यूनिट बनी होती है 30S आरआरएनए, ठीक है। यहाँ पर देखें तो ये फर्दर डिवाइड होती है, 50S जो सब यूनिट होती है वो फर्दर डिवाइड होती है 23S आरआरएनए और 5S आरआरएनए, ठीक है। और यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 34 डिफरेंट आर प्रोटीन्स है, राइबोसोमल प्रोटीन्स होती है। यानी अपन ने वहाँ पर बात की थी कि जो राइबोसोम होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, जैसे राइबोसोम्स आपस में कोइल्ड हो जाते हैं, सॉरी टीआरएनए होते हैं जैसे राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम भी एक प्रकार का आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, और ये इतने ज़्यादा कोइल्ड होते हैं, इनके बीच में जो प्रोटीन्स होती हैं वो प्रोटीन्स आपस में जुड़कर एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेती है, यानी एक प्रोटीन लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, और उसको कहते हैं अपन राइबोसोम। अब यहाँ पर देखें तो राइबोसोम है तो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, लेकिन वो आपस में क्या हो गया, कोइल्ड हो गया। जैसे अपन बात किए थे कि जो टीआरएनए होता है वो भी आपस में कोइल्ड हो जाता है, क्लोरोलीफ स्ट्रक्चर्स बनाता है, तो वो वैसे ही यहाँ पर ये भी क्या हो गया, कोइल्ड हो गया। और यहाँ पर देखें तो प्रोकैरियोटिक में जो 70S राइबोसोम होते हैं उसकी दो सब यूनिट होती है, 50S और 30S। 50S की बात करें तो 50S फर्दर दो सब यूनिट्स में डिवाइड होती है, 23S और 5S। अब और इसके अंदर यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स क्या होती है, प्रोटीन्स होती है, 34 डिफरेंट्स क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी। वैसे ही 30S के अंदर भी क्या होगा, एक 16S आरआरएनए में डिवाइड होगा, और यहाँ पर कितनी प्रोटीन, 21 डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर देखें तो 16XS जो आरआरएनए होता है इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं 15242 न्यूक्लियोटाइड, 15242 यानी 15242। ठीक है, और इसके फंक्शंस की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा हाईली कंजर्व्ड सीक्वेंस इन ऑल प्रोकैरियोट्स,
ठीक है, हाईली कंजर्व सीक्वेंस होती है इन ऑल प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। और दूसरा इसका पॉइंट देखें तो यूज्ड इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, अप टू जीन लेवल, अप टू जीन लेवल, ठीक है। तो यहां पर 16S आरएनए के दो फंक्शन हो गए, ये हाईली कंजर्व सीक्वेंस होता है कहां पर, प्रोकैरियोट्स में, और दूसरा इसको यूज्ड इन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस अप टू जीन लेवल पर इसका फाइलोजेनेटिक एनालिसिस होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबसे ज्यादा क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो रहे हैं। यहां पर देखिए तो 29G2904 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं और 15S के अंदर बात करें तो 120 न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो यहां पर अपन बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट्स की, प्रोकैरियोटिक में 70S राइबोसोम होते हैं, ठीक है, और 70S राइबोसोम में दो सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। यहां पर इस तरह से लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, यहां पर अभी अपन ने बात की थी कि फंक्शंस की, वो अपन डायग्राम बना के बात करेंगे, ठीक है। तो दो सब यूनिट होती है इसके अंदर, ये सब यूनिट 30S और 5S से मिलकर, सॉरी 23S और 5S से मिलकर बनी होती है, ये 16S से मिलकर बनी होती है। यहां पर इसके अंदर स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा वो अपन देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसके अंदर देखिए तो यहाँ पर ये 15,242 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको हाईली कंजर्व सीक्वेंस कहा जाता है प्रोकैरियोट। और यहाँ पर 21 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं और यहाँ पर 34 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। तो यहाँ तक बात समझ में आई, ये हो गया किसका, प्रोकैरियोट्स का। अब यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात करें, यूकैरियोटिक राइबोसोम कितने एस का होता है, 80S का होता है, ठीक है। और 80S की बात करें तो 80S के अंदर कितनी सब यूनिट होंगी, वही दो सब यूनिट होंगी, ठीक है, कितनी सब यूनिट होंगी, वही दो, 60S और 40S। 60S सब यूनिट होती है वही डिफरेंट टाइप के, जैसे अपन बात करें तो 28 SRNA 5.8 SRRNA और 5 SRRNA और अप्रोक्सीमेटली यहां पर 46 डिफरेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन्स कितनी होगी, 46, जिसमें जैसे L1, L2 एक्सेट्रा बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी जो 16S सब यूनिट है, ये लार्ज सब यूनिट होगी, लार्ज सब यूनिट होगी। यहाँ पर 40S देखें तो इसकी स्मॉल सब यूनिट होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये सब यूनिट फर्दर डिवाइड होती है 28, 5.8 और 5 SRRNA। यहाँ पर इसकी बात करें तो ये भी डिवाइड होगी, इसके अंदर बात करें तो 18S RRNA और इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं 1874 न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड होते हैं 47, 18, 165 और 120 ठीक है। और यहाँ पर लगभग 33 डिफरेंट प्रोटीन्स होती है, ठीक है। लगभग कितनी प्रोटीन्स होती है, 33 डिफरेंट प्रोटीन होती है। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक राइबोसोम्स 80S प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, जिसकी लार्ज सब यूनिट 60S कहलाएगी और स्मॉल सब यूनिट 40S।
यहाँ पर 60S के अंदर ये फर्दर डिवाइड होती है 28 SnRNA 5.8 SrRNA 5 SrRNA। इसके अंदर ये क्या होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे। यहाँ पर इसके अंदर प्रोटीन्स कितनी होंगी, 46 डिफरेंट प्रोटीन्स। यहाँ पर ये डिवाइड होता है 18 SrRNA जिसके न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे 1874 और 33 डिफरेंट्स प्रोटीन्स होंगी। तो यहाँ पर क्या होंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम की बात कर ली। अब राइबोसोम के अंदर जो साइट्स बता रहे थे, ठीक है, अपन ने जो थ्योरी में बात की थी कि राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट प्रेजेंट होती हैं, राइबोसोम हैज 3 बाइंडिंग साइट। राइबोसोम कितनी बाइंडिंग साइट रखता है, 3 बाइंडिंग साइट रखता है। ये डायग्राम की बात करें ठीक है, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट। यहां पर देखेंगे तो ये इसकी कौन सी सब यूनिट होती है, लार्ज सब यूनिट के अंदर एक साइट होती है ई, दूसरी यहां पर इसके अंदर दूसरी साइट होती है पी और तीसरी साइट होती है ए, ठीक है, ई पी ए, ई पी ए, ठीक है, यहां पर और इसके अंदर यहां पर एफ बी सी होती है। पी साइट को क्या कहा जाता है, पेप्टाइडल साइट, ठीक है, पी साइट को क्या कहा जाएगा, ये देखे तो लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट, अब यहां पर देखिए तो ई पी ए, पी साइट पर जैसे ए पर तो क्या होगा, ए पे कौन सी, इसको क्या कहा जाएगा, अमाइनो एसाइन, अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, ठीक है, दूसरे यहां पर पेप्टाइडल साइट, ठीक है, इस साइट को एग्जिट साइट, ठीक है, 3 साइट हो गई, कौन सी, ई पी ए, एक को अमाइनो एसाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट, जैसे ही टीआरएनए क्या लेके आएगा, अमाइनो एसिड लेके आएगा, वो कहां पर बाइंड होगा, एडेनिन पर, सॉरी ए साइट पर, ठीक है। दूसरा पी साइट, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, लेकिन अपने जब राइबोसोम की थ्योरी देखी थी तो वहां पर बात की थी कि जो फर्स्ट जो मिथ्योनिन अमाइनो एसिड है वो डायरेक्ट कहां पर लोड किया जाता है, कौन सी साइट पर, पी साइट पर, क्यों, क्योंकि पी साइट से ही क्या बनता है, पेप्टाइडल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, यहां पर क्या बनती है, पॉलीपेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन होता है। पहले जो न्यूक्लियोटाइड जो टीआरएनए है वो पी साइट पे ऐड होगा, बाद के जितने भी जो अमाइनो एसाइड टीआरएनए होंगे वो कहां पर बाइंड होंगे, ए साइट पर, यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा और पेप्टाइड बॉन्ड बनने के बाद में जो ये टीआरएनए यहां पर आ जाएगा और यहां पर आके पेप्टाइड बॉन्ड पेप्टाइड चेन का फॉर्मेशन करेगा और वो पेप्टाइड चेन एग्जिट साइड से क्या होते हैं, जो टीआरएनए होते हैं वो इस एग्जिट साइड से क्या होते रहते हैं, रिलीज होते रहते हैं। इस तरह से ये क्या होती है, राइबोसोम की साइट होती है, इसको कहते हैं फैक्टर बाइंडिंग साइट, फैक्टर बाइंडिंग साइट, ठीक है, यहां तक समझ में आया, फैक्टर बाइंडिंग साइट और यहां पर राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर्स की बात की अपन ने, ठीक है। इसके बाद में राइबोसोम की स्ट्रक्चर्स हो गई, यहां पर राइबोसोम्स की मशीनरी की बात हो गई, अब बात करेंगे अपन, ठीक है, ये इसकी सब यूनिट होगी, पेप्टाइडल साइट होगी, पी साइट होगी और ए साइट होगी। तो जैसे बात करें तो अपन ने थ्योरी में पढ़ा था, थ्योरी में ओनली किसके बारे में बात की थी, पी साइट के और ए साइट के बारे में। थ्योरी में अपन ने किसके बारे में बात किया था, पी साइट और ए साइट के बारे में, क्योंकि ई साइट एग्जिट साइट होती है, इतना रोल होता नहीं है इसके अंदर। अब देखो यहां पर अपन एक बार इसको क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। यहां पर देखिए तो राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स,
अरे छोटा हो गया क्या? राइबोसोम इन प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम होते हैं 70S टाइप के होते हैं, इसकी दो सब यूनिट होती हैं, लार्ज सब यूनिट स्मॉल सब यूनिट, यानी 50S 30S, ठीक है। और यहाँ पर लार्ज सब यूनिट फर्दर डिवाइड होती है 23S और 5S, ठीक है। इसके अंदर, इसके साथ में बाइंड होती है 34 डिफरेंट प्रोटीन, राइबोसोमल प्रोटीन, जिसके कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है ये 2904, और यहाँ पर 126S RNA, ये 30S जुड़ी होती है। इसके अंदर 16S RNA होते हैं, इसके अंदर हाईली कंजर्व्ड जो सीक्वेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होते हैं, और 21 डिफरेंट क्या होती है, प्रोटीन होती है। यूकैरियोट्स राइबोसोम्स की बात करें तो 80S टाइप का होता है, दो सब यूनिट होंगी लार्ज और स्मॉल सब यूनिट, इसके फर्दर डिवाइड करें तो 3 सब यूनिट 28S RNA, 5.8S RNA और 5S RNA, यहाँ पर 46 डिफरेंट प्रोटीन्स ये क्या होते हैं, कोइल्ड होते हैं। और इसकी बात करें तो 18S RNA और 33 डिफरेंट प्रोटीन्स होती हैं। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम में तीन बाइंडिंग साइट होती हैं, यहाँ पर EPA, सबसे पहला जो अमाइनो एसिड tRNA बाइंड होगा वो कहाँ पर बाइंड होगा, पी साइट पर। बाद में जो जितने भी जो अमाइनो एसिड tRNA होंगे वो कहाँ पर बाइंड होंगे, ए साइट पर। फिर यहाँ पर जंप करेंगे, जंप करने के बाद में उसको ट्रांसलोकेशन कहेंगे। अपन जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, इलोंगेशन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन इलोंगेशन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर पी साइट को क्या कहा जाता है, पेप्टाइडल साइट, ठीक है, क्योंकि ये इसको कह सकते हैं अपन Also called the peptidal site, ठीक है, peptidal tRNA site hold the tRNA, ये किसको होल्ड करके रखता है, tRNA को होल्ड करके रखता है, ठीक है। और ए साइट की बात करें तो ए साइट को अमाइनो एसिड tRNA साइट कहा जाएगा, और ये किसको किसको रिक्रूट करता है, अमाइनो एसिड tRNA को रिक्रूट करता है। तो यहाँ तक अपना जो मैकेनिक्स था या मशीनरी थी, ठीक है, जो अपन ट्रांसलेशन की मशीनरी का पढ़ रहे थे, तो ट्रांसलेशन की मशीनरी का यहाँ पर अपना ट्रांसलेशन मशीनरी क्या होती है, कंप्लीट होती है। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट जो अपना टॉपिक होगा वो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसलेशन या मैकेनिज्म ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इसके अंदर जो डिफरेंट जो चार टॉपिक्स पढ़े थे अपन ने, अमाइनो एसिड tRNA चार्जिंग, जैसे फर्स्ट अमाइनो एसिड tRNA, दूसरा अपन बात करें चार्जिंग, ठीक है, चार्जिंग ऑफ tRNA, थर्ड अपन बात करें तो एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम, और फोर्थ की बात करें असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड। ये चार, जैसे तीन तो क्या होंगे, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में सेम होंगी। पॉलीपेप्टाइड जो फॉर्मेशन होता है वो दोनों में डिफरेंट होता है। तो पहले अपन तीनों के बारे में पढ़ेंगे, ये इसकी क्या होगी, मैकेनिज्म होगी। मैकेनिज्म्स अपन पढ़ेंगे प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में। पहले इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे, तीनों में जो मैकेनिज्म्स में चार पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट एक्टिवेशन ऑफ अमाइनस, एक्टिवेशन ऑफ tRNA, ठीक है, चार्जिंग ऑफ tRNA, ठीक है, और तीसरा एक्टिवेशन ऑफ राइबोसोम, और फोर्थ है असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड। इस असेंबली ऑफ अमाइनो एसिड्स में अपन प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक का डिफरेंस देख लेंगे। तो इस तरह से अपना जो नेक्स्ट चैप्टर हो जाएगा प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन और या मशीनरी की बात करें तो वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे किसके बारे में, मैकेनिज्म्स के बारे में।